ओके बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए बेटा, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो मेरी कल की क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, ठीक है, आज वहाँ से चालू करते हैं। ठीक है, सभी के सभी बच्चे जितने भी हैं, ठीक है, आज से स्टार्ट करेंगे बेटा। तो मैं आपको दोबारा से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, वही टॉपिक। ठीक है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा, कॉन्सेप्ट समझिए पहले। देखिए, मैंने टॉपिक का नाम रखा था आपका चेंज। क्या रखा था बेटा? चेंज। टॉपिक का नाम था बेटा चेंज, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं बदलाव। क्या बोलते हैं बेटा? बदलाव। क्लियर है? तो बेटा पहले हम ये समझते हैं कि चेंज जो होता है वो होता क्या है। तो बेटा मैंने आपको कभी भी अगर समझाया हो तो वो सब भूल जाओ, और भूल के पहले यहाँ देखो। क्लियर है? देखो यहाँ पर। हाँ, तो तभी समझ आएगा बच्चों को। क्या चाह रहे हो यार? क्या क्या कर रहे हो तुम? अबे गोरा नहीं चाहिए मेरे को यार, तुम जैसा आया हूँ वैसे रहने दो। अबे इतना खतरनाक मत बनाओ यार तुम, इसको सही कर दो। तो देखिए बेटा, प्लीज़ यहाँ देखना। देखो, चेंज करने का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि मान लीजिए एक संख्या आपकी क्या है बेटा? चार है। अगर ये संख्या चार की चार ही रहे तो बताइए कोई चेंज हुआ क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल भी कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये संख्या चार थी तो ये चार की चार ही बेटा, चार। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये संख्या चार जो है वो बढ़ के हो जाए बेटा पाँच, तो यहाँ पर चेंज आया या नहीं आया? तो आया। तो किस टाइप का चेंज आया बेटा? वृद्धि हुई या कमी हुई? वृद्धि। और कितने की वृद्धि हुई बेटा? एक की। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी संख्या जो है वो चेंज होना उसे तब कहते हैं जब हम उसे बढ़ा दें। क्या कर दें बेटा? बढ़ा दें। और अगर मान लीजिए मैं इसी संख्या चार को अगर मैं घटा के कितना कर दूं बेटा? तीन, तो भी तो ये चेंज हो जाएगी। सही बात है या नहीं है? यानी जो ये संख्या चार थी, ये संख्या घट के कितनी हो चुकी है बेटा? तीन। तो कितनी घट गई बेटा? ये एक। इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या चेंज तब होती है जब उसे या तो बढ़ा दिया जाए या फिर उसे घटा दिया जाए। तो मेरे चेंज का मतलब दो बातों से होता है बेटा। कितनी बातों से होता है? दो बातों से। किस बात से बेटा? वृद्धि करना, वृद्धि करने का मतलब बढ़ाना, बढ़ाने का मतलब प्लस, और कमी करना, कमी करने का मतलब घटाना, घटाने का मतलब माइनस। तो एक बात याद रखें बेटा सभी के सभी स्टूडेंट, कि अगर कभी भी आपके एक वर्ड यूज हो रहा है चेंज, तो चेंज का मतलब दो बातों से होता है। कौन कौन सी दो बातों से? वृद्धि करने से और कमी करने से, मतलब बढ़ाने से और घटाने से, मतलब प्लस और माइनस से। बोलो क्लियर हुआ? अब गौर से समझिए बेटा, अगर मैं प्लस और माइनस की अगर बात करूं तो प्लस और माइनस की बात में होता क्या है। जैसे मैंने ये कहा कि मान लीजिए एक संख्या क्या है बेटा? छः है। तो ये संख्या जो छः है ये चेंज होके मैंने कहा ये सात हो गई। तो एक बात बताइए बेटा, ये अगर ये संख्या छः थी तो शुरुआत में ये छः थी, मतलब ये इनिशियल वैल्यू थी, और ये चेंज होने के बाद में फाइनली क्या बन गई बेटा? सात। तो बताइए चेंज हुआ नहीं हुआ? तो आप बोलेंगे बिल्कुल चेंज हुआ। तो बेटा कितने का चेंज हुआ? तो ये कैसे पता लगेगा? इन दोनों के अंतर से। तो बेटा आप बताइए इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? एक। और ये बढ़ाए या घटाए? बढ़ाए। तो चेंज जो होगा वो क्या होगा बेटा? प्लस वन। बोलो क्लियर हुआ? तो इसका मतलब हम ये कहते हैं बेटा कि जो भी चेंज है उसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो वो वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? फाइनल और इनिशियल के अंतर से। बोलो क्लियर हुआ? और आप बताइए कि जो ये एक की वृद्धि हुई है बेटा, ये हुई किस में बेटा? छः में या सात में? तो आप कहेंगे ये हुई है किस में बेटा? छः में। और छः कौन सी वैल्यू है? इनिशियल या फाइनल? इनिशियल। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी चेंज आता है तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमेशा दो वैल्यू बनती हैं। कितनी वैल्यू बनती है बेटा? दो। कौन कौन सी? फाइनल और इनिशियल और फाइनल। और उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमें ये बता देता है कि कितनी वृद्धि और कितनी कमी हुई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी ये चेंज आता है ये हमेशा आता किस में बेटा? इनिशियल में। तो जो चेंज होता है ये हमेशा डिफाइंड जो किया जाता है बेटा, ये किस पर डिफाइंड किया जाता है? जल्दी बोलिए। तो ये डिफाइंड किया जाता है हमेशा इनिशियल वैल्यू पर। किस पर डिफाइंड किया जाता है? इनिशियल वैल्यू। तो ये दो बातें आप अच्छे से नोट कर लो कि जहाँ भी चेंज आएगा वहाँ हमेशा दो वैल्यू बनेंगी, इनिशियल और फाइनल। और उन दोनों का जो अंतर होगा वो हमें क्या बताएगा? चेंज बताएगा, यानी कितनी वृद्धि हुई है और कितनी कमी हुई है। बोलो क्लियर हुआ? और वो जो चेंज होगा वो हमेशा किस में आएगा बेटा? इनिशियल में। अरे क्लियर हुआ? और जो चेंज आ रहा है इनिशियल में, इसी को अगर रेशियो में लिख दिया जाए कि कितना चेंज आया, मतलब कितनी वृद्धि और कितनी कमी हुई डिवाइडेड बाय इनिशियल, इसी रेशियो को अगर हम परसेंटेज बना दें, मतलब गुणा 100 कर दें, तो यही मेरा निकल आता है प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझ लीजिए कि अगर कभी भी हमें प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी निकालनी हो तो हमें ये देखना होता है कि कितना बढ़ा और किस में बढ़ा? इनिशियल में। तो कितना बढ़ा? इनिशियल में। इसके रेशियो से हम ये निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट बढ़ा या कितने परसेंट घटा।
अरे क्लियर है या नहीं है? जैसे अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज निकालना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कितना बड़ा बेटा है, एक बड़ा, और किस में बड़ा बेटा, छः में। तो 1/6 जो है इसको अगर मैं गुणा 100 कर दूँ तो यहीं से मुझे परसेंटेज मिल जाएगी 16 सही 2/3%। कितने परसेंट बेटा? 16 सही 2/3%। यानी कि जो 6 पर एक वृद्धि हुई है ये कितने परसेंट की वृद्धि के बराबर है? 16 सही 2/3% वृद्धि के बराबर है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? तो चलिए भाई, हमने ये चेंज की मोटी मोटी बात समझ ली कि जहाँ भी चेंज आएगा वहाँ दो वैल्यू बनेंगी, इनिशियल और फाइनल। उन दोनों का जो अंतर होगा वो हमें ये बता देगा कि चेंज कितना आया है। और तीसरी बात हमने ये समझ ली कि जो चेंज आता है वो हमेशा इनिशियल में आता है। किस में आता है? इनिशियल में। और जो चेंज इनिशियल में आता है उन दोनों के रेशियो को, किस किस के रेशियो को, कितना चेंज आया है डिवाइड बाई इनिशियल, इन दोनों के रेशियो से हमें पता लग जाता है कि वो जो वृद्धि हुई है वो कितने परसेंट की है और जो कमी हुई है वो कितने परसेंट की है। मतलब हम प्रतिशत बदलाव निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ? अब बात ये आती है कि हम जो ये टॉपिक पढ़ते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो याद रखना, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन होते हैं बेटा वो दो तरह से बनते हैं। कैसे बनते हैं बेटा? दो तरह से। तो पहले दो टॉपिक की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले टाइप 1 की बात करूँगा, फिर उसके बाद टाइप 2 की बात करूँगा। तो पहले यहीं पर समझते रहना एक एक बात को। और जबकि ये दोनों टाइप हैं एक ही, ये दोनों टाइप हैं एक ही, तो पहला टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है? पहले टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपको प्रतिशत वृद्धि दे रखी हो तो उसे अगर प्रतिशत कमी कैसे बनाएंगे, और उस प्रतिशत कमी अगर दे रखी हो तो उसकी प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनता है प्रतिशत वृद्धि को प्रतिशत कमी और प्रतिशत कमी को प्रतिशत वृद्धि बनाना। बोलो क्लियर हुआ? और जो दूसरा टाइप होता है उसका नाम होता है मेरे अकॉर्डिंग CPR, मतलब इसको बोलेंगे हम कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। तो आज अभी मैं आपको थोड़ी देर के लिए कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ इन दोनों टॉपिक के, क्लियर है? और उसके बाद इन्हीं दोनों टॉपिकों के सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोलो क्लियर हुआ? तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि प्रतिशत वृद्धि को प्रतिशत कमी में और प्रतिशत कमी को प्रतिशत वृद्धि में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो गौर से समझना बेटा। अब बेटा यहाँ पर देखो, अब आप देखिए भाई, मैंने ये कहा कि मान लीजिए, पहले इस बात को समझेंगे कि वृद्धि को कमी और कमी को वृद्धि में बदलते कैसे हैं। तो मैंने ये कहा कि मान लीजिए कि आपके पास एक संख्या क्या है बेटा? 3 है। कितनी है बेटा? 3। और इसको आपने बढ़ा दिया, क्या कर दिया बेटा? बढ़ा दिया, और बढ़ा के इसको बना दिया 4। कितना बना दिया बेटा? 4। तो इनिशियल में क्या थी बेटा? ये 3, और 3 बढ़ के कितना बन गया बेटा? 4। अगर 3 बढ़ के 4 बन गया तो कितना बढ़ गया बेटा आप बताइए? 1 बढ़ गया। अरे क्लियर है? तो ये चेंज की क्या होगी बेटा? वैल्यू। हमें ये पता लग गया कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। और आप बताओ ये 1 बढ़ किस में गया बेटा? आप बता दो, 3 में। तो इसी को अगर मैं रेशियो में देखूं तो 1/3 आएगा, 1 की वृद्धि 3 में। और इसी की अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो यही परसेंटेज आ जाएगी 33 सही 1/3% बढ़ा। कितने परसेंट बढ़ा बेटा? 33 सही 1/3%। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि वृद्धि के जो चेंज का, वृद्धि का जो रेशियो है वो एक तरह से कितना होगा बेटा आप ये बता दीजिए? तो वृद्धि का रेशियो बन जाएगा +1/3। 1 बढ़ा कितने में बेटा? 3 में। बोलो क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं इसी वृद्धि को अगर कमी बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? डायरेक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। अरे बोलिए यार, सही बात है या नहीं है? तो आप बताइए, अगर मैं डायरेक्शन को उल्टा करूंगा तो जो उस डायरेक्शन की फाइनल वैल्यू है वही किसका काम करेगी बेटा? आपका इनिशियल। पहली बात तो ये है, समझ आ गई हमें? यानी कि जब हम उल्टा करेंगे, मतलब वृद्धि को कमी बनाएंगे या कमी को वृद्धि बनाएंगे, तो जो उस, जो भी दे रखा है उसकी जो फाइनल वैल्यू है वही दूसरे के इनिशियल का काम करेगी। तो अब बताइए, 4 से अगर वैल्यू 3 हो गई तो घट कितनी गई बेटा? आप बताइए, 1। और समझ में आई बात? और ये हो गया चेंज, लेकिन इसी चेंज को आप बताओ ये 1 की कमी आई किस में बेटा? आपकी 4 में। तो ये कमी का रेशियो बनेगा -1/4। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वृद्धि का रेशियो +1/3 है तो कमी का रेशियो -1/4 होगा, और कमी का रेशियो अगर -1/4 है तो वृद्धि का रेशियो +1/3 होगा। अरे बोलिए यार, और अब मुझे बस यही समझना है, बस और कुछ नहीं समझना। तो इस बात को समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं, वो दोनों ही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चीज़ों को समझते रहना। क्या कॉन्सेप्ट है? तो एक बात बताइए, चेंज जो होता है, परसेंटेज जो चेंज होता है वो किन दो बातों पे डिपेंड करता है बेटा, ये बता दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज चेंज जो है वो किन दो बातों पे डिपेंड करता है, तो आप खुद ब खुद जानते हैं कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी जो होती है वो निकालने के लिए हमें दो बातें देखनी पड़ती हैं, कितने की वृद्धि कितने की कमी डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो याद रखना, परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी को आपस में बदलना चाहते हो तो दो ही पॉइंट याद रखो। एक तो चेंज के बारे में नॉलेज पता होनी चाहिए आपको कि चेंज के साथ क्या हो रहा है, चेंज
चेंज की वैल्यू के साथ, और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि इनिशियल वैल्यू के साथ क्या हो रहा है। तो यही दो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको दिखा के लिखूंगा यहाँ पर, देखना। अरे क्लियर है? तो आप ये बताइए बेटा कि जब वृद्धि हो रही थी तो कितने की वृद्धि हो रही थी बेटा, आप बताइए, एक की। लेकिन जब इसको कमी में बदला तो कमी भी कितने की हो रही है, एक की। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि वृद्धि और कमी की जो वैल्यू होगी, जो वैल्यू होगी बेटा, ये हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। सही बात है या नहीं है? इसका मतलब अगर वृद्धि एक की है तो वैल्यू वाइज हम कमी भी एक की लेके चलेंगे। अगर वो वृद्धि मान लो चार की होती तो कमी भी कितने की लेके चलते हम, चार की। अगर कमी मान लीजिए तीन की होती तो वृद्धि भी कितनी लेके चलते हम, तीन की। कहने का मतलब वैल्यू हम हमेशा क्या लेके चलेंगे बेटा, सेम लेके चलेंगे। कौन सी वैल्यू सेम लेके चलेंगे, चेंज की, यानी कि जो वृद्धि है उसी को हम कमी मान लिया करेंगे इन द सेंस ऑफ वैल्यू। बोलो क्लियर है? तो वैल्यू जो रहेगी सेम, वैल्यू जो रहेगी चेंज की वो क्या रहेगी, सेम। लेकिन इनिशियल वैल्यू क्या बनेगी, तो जो आपकी दे रखी है वृद्धि या कमी जो भी दे रखी है उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो उल्टा करने पर ही किसका काम करेगी, इनिशियल का। बस ये पॉइंट आप याद रखें, क्योंकि जब मैं यहां से वृद्धि कर रहा था और जब मैंने इसको कमी बनाया तो जो ये फाइनल वैल्यू चार है इसी पर तो कमी आ रही है। सर समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब ये है क्योंकि परसेंटेज चेंज दो ही बातों पर डिपेंड करता है, चेंज अपॉन इनिशियल। मतलब आपको दो ही बातों की नॉलेज होनी चाहिए, एक तो चेंज के साथ क्या हो रहा है और एक इनिशियल वैल्यू के साथ क्या हो रहा है। तो आप एक सेकंड में कर पाएंगे कि वृद्धि को कमी और कमी को वृद्धि में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मैंने आपको यही दो बातें सिखाई कि जो चेंज होता है उसकी वैल्यू क्या रहती है बेटा, सेम। ये बात यहां से दिख रही होगी, एक एक सेम है। जबकि दूसरी बात इनिशियल वैल्यू के बारे में क्या बात होती है कि जो भी वृद्धि दी जाती है उसकी जो फाइनल वैल्यू है कमी उस पे निकलेगी, यानी जो फाइनल वैल्यू है वो किसका काम करेगी बेटा, इनिशियल का। तो आज के बाद हम कुछ नहीं किया करेंगे, जब भी हमें परसेंटेज वृद्धि दी जाएगी तो उसका पहले रेशियो लिखेंगे, उस रेशियो से हमें ये तो पता लग जाएगा कि कितना चेंज हो रहा है और किस में हो रहा है, ये हमें पता लग जाएगा। तो जितना भी चेंज आ रहा हो उतने की हम कमी ले लेंगे, क्योंकि वैल्यू क्या है बेटा, सेम। और आप बताइए दूसरी बात, जो उसकी फाइनल वैल्यू बनेगी उसे हम इनिशियल ले लेंगे। इसका मतलब एक सेकंड में हमें क्या पता लग जाएगा, रेशियो। और अगर एक सेकंड में रेशियो पता लग गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, परसेंटेज तो निकाल ही लेंगे गुणा सौ करके। अरे बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बोलो क्लियर है या नहीं है? अगर चीजें क्लियर हो गई हो तो मैं एक बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट की, तो गौर से देखें बेटा। हेलो, मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट की करा रहा हूँ प्रैक्टिस, तो आप बताइए बेटा। अब एग्जाम्पल देखना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैंने कहा कि प्लस एक बटे तीन की वृद्धि, कितने की वृद्धि, प्लस एक बटे तीन, तो मैंने आप बताइए चेंज कितना किया बेटा, एक बढ़ाया। अगर इसको कमी बनाना है तो जितना बढ़ाऊंगा उतना ही घटाना पड़ेगा, अगर मैंने एक बढ़ाया तो घटाने भी कितना पड़ेगा, एक। लेकिन एक घटेगा किस पे, फाइनल वैल्यू पे, इनिशियल वैल्यू पे, फाइनल। तो तीन में एक बढ़ के क्या बन गई, चार, तो वही हो गई। तो इसका मतलब एक बटे तीन की जो वृद्धि होगी वो कमी में एक बटे चार के बराबर होगी। बोलो क्लियर है या नहीं है? अगर मैंने बोला प्लस दो बटे सात, बताइए कमी में कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे यार आपने सात पर दो बढ़ाया है, सात पर क्या बढ़ाया है, दो। अगर आपने दो बढ़ाया है तो घटाना भी आपको उतना ही पड़ेगा बराबर करने के लिए, तो आपको दो ही घटाना पड़ेगा। लेकिन दो घटेगा किस पे बेटा, फाइनल वैल्यू। तो सात में दो बढ़ के कितना हो गया बेटा, नौ। इसका मतलब प्लस दो बटे सात की कमी का रेशियो बनेगा माइनस दो बटे नौ। बोलो क्लियर है या नहीं है? सर समझ में आया बात? अब मैंने बात की नेक्स्ट, मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने कमी का रेशियो दे दिया चार बटे ग्यारह, तो आप बताइए मैंने ग्यारह पर कितनी कमी कर रहा हूँ, चार की। अगर मुझे इसके इक्विवेलेंट वृद्धि बनानी है तो जितना मैं कमी कर रहा हूँ वृद्धि, तो मुझे उतनी करनी पड़ेगी चार की, लेकिन किस पे करनी पड़ेगी, ग्यारह में चार घट के क्या बन गया, फाइनल वैल्यू सात, वही इनिशियल काम करेगी, तो चार बटे सात। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर समझ में आया नहीं आया? तो अगर कभी भी आपको वृद्धि को कमी और कमी को वृद्धि लिखना हो तो बस मेरे द्वारा बताए गए ये दो पॉइंट याद रखना भैया, आपकी चीजें सब सेट हैं। कौन कौन से दो पॉइंट, मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूं, अब यहां पे देख लो भैया, मैं एक बार सारी बातें लिख दे रहा हूं, बात खत्म कर रहा हूं। देखिए भाई मैंने आपको क्या सिखाया, गौर से सुन लो, जब भी आपको परसेंटेज क्या निकालना हो बेटा, परसेंटेज चेंज निकालना हो, क्या निकालना हो, परसेंटेज चेंज निकालना हो, क्लियर है? जब कभी भी आपको प्रतिशत वृद्धि को प्रतिशत कमी में और प्रतिशत कमी को प्रतिशत वृद्धि में बदलना हो, तो आप सिर्फ मेरी बताई हुई बातें, दो ही बातें याद रखें, पहली बात ये और दूसरी बात ये।
पहली बात किस लिए, दो ही बातें क्यों, क्योंकि परसेंटेज चेंज दो ही बातों पर निर्भर करता है, एक तो प्रतिशत, एक तो वृद्धि और कमी की वैल्यू पर, और एक इनिशियल वैल्यू पर। तो याद रखना, जब भी हम वृद्धि को कमी में बदलेंगे, प्लस को माइनस बनाएंगे, या माइनस को अगर प्लस बनाएंगे, तो जो प्लस माइनस की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको समझा दिया था, बोलो क्लियर है। और दूसरी बात मैंने ये कहा कि जो भी दे रखा है उस चेंज की फाइनल वैल्यू जो होगी वो उल्टा करने पर किसका काम कर रही होगी, इनिशियल का। तो हमें वैल्यू सेम लेकर तो चेंज की वैल्यू पता लग जाएगी, और फाइनल को हम इनिशियल बना देंगे तो चेंज पता लग गया, इनिशियल पता लग गया, रेशियो लिख के बात खत्म कर देंगे। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके लिए बस इतनी बातें पता होना बहुत जरूरी है, अगर ये बातें पता हैं तो आपका क्वेश्चन बेहद आसान तरीके से खत्म हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो अब इस पर करते हैं हम पहला क्वेश्चन, पर उससे पहले मैं बता देता हूं एक इंपॉर्टेंट बात, और वो बात क्या है, गौर से सुनिए। क्या बोला मैंने, गौर से सुनो, मैंने ये कहा कि कभी भी अगर आपको प्रतिशत वृद्धि देके अगर प्रतिशत कमी निकाली जाए, अगर कमी देके वृद्धि निकाली जाए, वृद्धि देके कमी पूछी जाए, तो क्वेश्चन में चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, आपको हमेशा सिर्फ एक काम करना है कि जो भी परसेंटेज वृद्धि दे रखी है उसका रेशियो लिखेंगे, और उसका जब रेशियो लिखोगे तो चेंज और इनिशियल पता लग ही जाएगा, चेंज को सेम ले लेंगे, फाइनल वैल्यू को इनिशियल ले लेंगे, तुरंत रेशियो लिखेंगे, और हमारा आंसर खत्म। बोलो क्लियर है या नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन कह दे कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि होती है, किसी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 25% की, तो बताओ बढ़ी हुई वैल्यू को वही वैल्यू बनाने के लिए कितने परसेंट की कमी करनी होगी। तो आप क्वेश्चन में कुछ ना करें, 25% वृद्धि का मतलब हो गया प्लस 1/4, इसका मतलब आपने संख्या थी वो पहले 4, और 4 में वृद्धि हुई 1 की, अगर आपने 1 बढ़ाया था तो वास्तविक बनाने के लिए घटाना तो उतना ही पड़ेगा, तो अगर 1 बढ़ाया तो कमी भी मैंने 1 की ले ली, लेकिन कमी होगी किस पर, फाइनल वैल्यू पर, वो इनिशियल काम करिए, तो 4 में 1 बढ़ के कितना हो गया, 5, तो ये हो जाएगा -1/5, और इसमें अगर गुणा 100 कर दें तो कितने परसेंट आंसर आ जाएगा, -20%। इसका मतलब अगर आपने किसी संख्या को 25% से बढ़ाया था तो दोबारा से उसे वही संख्या बनाने के लिए कितने परसेंट घटाना पड़ेगा, 20%। दिस इज अ वेरी वेरी बेस्ट मेथड टू फाइंड द परसेंटेज कन्वर्जन फ्रॉम परसेंटेज इंक्रीज टू परसेंटेज डिक्रीज, और परसेंटेज डिक्रीज टू परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज हमेशा डिफरेंट रहेंगे, लेकिन वैल्यू जो होगी चेंज की वो क्या रहेगी, सेम, और जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो किसका काम करेगी, इनिशियल का। ये बातें अगर क्लियर हो गई हो, सारी बातें क्लियर हो गई हो, तो मोटा मोटा सुन लो, अगर प्रतिशत वृद्धि दे दी जाए कमी पूछी जाए, परसेंटेज कमी दे दी जाए वृद्धि पूछी जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, आप हमेशा यही काम करेंगे तो आपका आंसर बेहद आसान तरीके से खत्म हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए भाई, अगर आपको इतनी सारी बातें क्लियर हो गई हो, तो पहले अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप करेंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है, बताइए आंसर जल्दी फास्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, एक एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा जल्दी फास्ट। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एक एक बच्चा मुझे आंसर बताए इस क्वेश्चन का जल्दी फास्ट। आप क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर बताएं। देखिए, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीएचएसएल, एक बात गौर से देख लें, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीएचएसएल 2022, लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस करा रहा हूं सारे के सारे, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको यह ना लगे कि हमारी जो प्रैक्टिस हो रही है उसमें हमारा कहीं भी कोई दिक्कत होगी, या फिर हम कोई और ही प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, एग्जाम कुछ और पूछेगा और हम कुछ और कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा सारे के सारे, बेटा आंसर सभी का आ चुका होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं सॉल्व, देखना बस मेरी बात, देखना मेरी अप्रोच, देखना बस समझना और क्वेश्चन उड़ाना। ये कह रहा है यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की जाती है, 25% की कमी की जा रही है, कितने परसेंट की, 25% की कमी की जा रही है, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में परसेंटेज कमी देके परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है, तो ये लैंग्वेज कुछ भी हो, आप डायरेक्ट परसेंटेज कमी को वृद्धि बना सकते हैं, वृद्धि को कमी बना सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, बेहद आसान तरीका, बेटा यहां देखें, अब आप सॉल्यूशन देखें प्लीज। देखिए,
मैंने क्या बोला, कमी कितने की हो रही है बेटा बताइए क्वेश्चन के अंदर, 25% की कमी दे रखी है। तो बताइए बेटा रेशियो क्या बनेगा 25% का, -1/4। इसका मतलब 4 मूल्य था पहले, उस पर एक कम हुआ, अगर एक कम हुआ तो दोबारा से वह वही मूल्य बनाना चाह रहा है, तो जितना कम करोगे उतना ही तो बढ़ाओगे। तो अगर कम एक की हुई है तो वृद्धि भी कितनी करनी पड़ेगी, एक की, लेकिन किसमें कमी कर वृद्धि करनी पड़ेगी, फाइनल वैल्यू बनेगी इनिशियल, तो 4 में 1 घट के क्या बनेगा बेटा 3, वही काम करेगा इनिशियल का। तो यानी कि अगर कमी हुई है 1/4 की तो वृद्धि करनी पड़ेगी 1/3 की, अगर 1/3 की परसेंटेज ज्यादा तो डायरेक्ट आंसर बताओ कितना होगा, 33.1/3%। और अगर आंसर याद नहीं तो गुणा 100 कर लेना तब आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बेहद आसान तरीके से आंसर कौन सा राइट होगा बेटा, बी ऑप्शन। बोलो क्लियर है, दिख नहीं रहा बेटा, गौर से सुनो, कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो बेटा मैं यहां पे कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तो दिख रहा होगा, देखो बेटा यहां पे तो दिख जाएगा ना, देखो भाई बेटा यहां देख लो, चलो देखिए भाई बेटा यहां देख लो, चलो क्वेश्चन के अंदर बेसिकली 25% की क्या दे रखी है बेटा, कमी, और आपको प्रतिशत क्या निकालनी है बेटा, वृद्धि। अगर क्वेश्चन में कमी दे के वृद्धि पूछे तो आप कुछ मत करो, बेहतरीन तरीका, कितने परसेंट की कमी दे रखी है बेटा, 25% की कमी, आप बताओ 25% की कमी का रेशियो कितना होता है, -1/4, यानी कि 4 पर एक कम हुआ है, दोबारा से अगर उसे वही मूल्य बनाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाना कितना पड़ेगा, चेंज की वैल्यू तो रहेगी सेम, तो घटाया अगर एक है तो बढ़ाना भी कितना पड़ेगा बेटा एक, लेकिन किस पर बढ़ाना पड़ेगा एक, जो फाइनल वैल्यू है उस पर। तो 4 में 1 घट के फाइनल वैल्यू कितनी बन गई बेटा 3, और 1/3 ही परसेंटेज क्या होती है, 33.1/3%। बोलो क्लियर हुआ क्या, तो इस क्वेश्चन का आंसर बेहद आसान तरीके से एक ही लाइन में राइट हो जाएगा, 33.1/3%। बोलो क्लियर हुआ, समझ आ रहा है, अब तो दिखाई दे रहा होगा। चलिए भाई अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया हो तो आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी फास्ट, आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, प्लीज आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। देख लीजिए ये अगेन जो क्वेश्चन आपके सामने है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीपीओ 2019, आंसर बताइए आप, यानी कि क्वेश्चन एसएससी का है, प्लीज टेल मी द आंसर, डू इट फास्ट। और देखो यही क्वेश्चन एसएससी में भी आते हैं, यही क्वेश्चन जीडी में भी आते हैं, यही क्वेश्चन टेट में भी आते हैं, यही क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आते हैं, लेकिन लोगों का कहना क्या है कि ये कुछ अलग है, वो कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, जबकि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग सेम है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 15% की क्या होती है बेटा, वृद्धि। अरे क्या होती है, वृद्धि। तो एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि इस पर व्यय में वृद्धि ना हो। बेटा एक बात बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मोटा मोटा समझूं, क्वेश्चन की भाषा को अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो आप इतना तो समझ सकते हो कि एक चीज बढ़ रही है कितने परसेंट से, 15% से, और क्या पूछी जा रही है, कमी। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज चाहे कुछ भी हो, अगर परसेंटेज वृद्धि दे के कमी पूछ रहा हो तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट खत्म कर सकते हैं, कैसे, रेशियो से रेशियो लिखकर। तो सुनिए बेटा, हेलो गौर से समझना बेटा, हेलो तो समझिए, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखना बेटा प्लीज इसका। तो आप बताइए इस क्वेश्चन के अंदर वृद्धि कितने परसेंट की हो रही है बेटा, 15% की। आप बताओ 15% की रेशियो क्या होती है, तो 15% बनता है 5% से, 5% कितना होता है 1/20, कितना होता है 1/20, और 5 का कितने गुना 15 होता है 3 गुना, तो इस 15% की रेशियो बनेगी 3/20, और वृद्धि है तो प्लस लगा देंगे, इसका मतलब 20 पर 3 बढ़ रहा है। तो अगर हमें इस वृद्धि को अगर कमी बनाना है तो हम दो ही बातें जानते हैं कि चेंज की वैल्यू क्या रखनी है सेम, तो अगर बढ़ रहा है 3 तो घटाना भी कितना पड़ेगा बेटा 3, और किस पर, फाइनल वैल्यू काम करेगी इनिशियल का। तो 20 पे 3 बढ़ गया क्या बन गया बेटा 23, तो 3 की कमी करनी पड़ेगी कितने पर बेटा 23 पर। तो इसका मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को अब परसेंटेज निकालूं तो गुणा 100 करना पड़ेगा। आप बस इतना बता दो कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो जो भी परसेंटेज आएगी उसमें नीचे क्या आएगा बेटा 23। ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें नीचे 23 आएगा, क्या ये 11 आ रहा है, गलत, इसमें नीचे 13 आ रहा है, गलत, इसमें नीचे 23 आ रहा है, सही,
इसमें ये नीचे आ रहा है 8, ये गलत, तो 1 सेकंड में आंसर हो गया। तो आंसर कितना आएगा बेटा, 13 सही, 1/23%। तो अगर आप कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तब भी आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से टिक लगा सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ गए या नहीं समझे? अब आप उतारिए, दैट इज अ सेकंड क्वेश्चन। समझ आ गया होगा सबको, आया नहीं आया बेटा? चलिए भाई, अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हो, मैं क्लास में कह के आया था कि आज जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें एक एक प्रैक्टिस आपके हेल्पफुल रहेगी, सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लेवल से क्लियर हो जाएंगे। चलिए भाई, आई थिंक वो ऐसा होगा भी, क्लास के लास्ट में देख लेना इस बात को कि ऐसा है या नहीं है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को भूल जाइए, इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ, ये भी इस टाइप का नहीं है, ये भी इस टाइप का नहीं है, ये भी इस टाइप का नहीं है। चलिए भाई, इस टाइप का क्वेश्चन, हाँ चलिए भाई, ये रहा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी फास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी। दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीएचएसएल 2022। 1 सेकंड के अंदर आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। देखिए सबके सब आंसर कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से। आप बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है एक टीवी की कीमत में 20% की क्या होती है कमी, 20% घटा दिया गया टीवी का मूल्य, उसके मूल्य मूल मूल्य को प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। बेटा क्वेश्चन में 20% की दे रखी है कमी और आपसे पूछी जा रही है कितनी वृद्धि करनी होगी, तो कमी को अगर वृद्धि में बदलना हो तो 1 सेकंड में बदल दो। तो कितने परसेंट की कमी है बेटा आप बताइए, 20% की, तो 20% कितना होता है 1/5, और कमी है तो माइनस, तो माइनस 1/5 की वृद्धि का रेशियो क्या होगा, तो -1 का मतलब बढ़ाना कितना पड़ेगा 1, जितना घटाया है वृद्धि तो उतनी ही करनी पड़ेगी। अरे बोलिए यार, तो -1 की ऊपर क्या ले लेंगे हम, +1, और बेटा ये बताओ ये वृद्धि होगी किस में, फाइनल वैल्यू में, तो 5 में घटे क्या हो गया बेटा 4, और 1/4 की परसेंटेज निकालने तो गुणा 100 करके बेटा कितने परसेंट आ गया आंसर, 25%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा, दैट आंसर इज इक्वल टू 25%। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ सर, समझ में आया नहीं आया? चलिए भाई, इन तीनों क्वेश्चनों से शायद आपको मेरी बताई हुई सारी बातें समझ आ गई होंगी। बोलो क्लियर है यहां तक? बोलो यहां तक बात क्लियर है बेटा? आई थिंक ये वाला टॉपिक सबको क्लियर हो गया होगा कि वृद्धि को कमी और कमी को वृद्धि बनाने के लिए बस आपको दो ही बातें याद रखनी चाहिए, क्या कि जो वृद्धि और कमी की वैल्यू है उसे तो रखेंगे हम सेम, और जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या बनेगी बेटा, जो पहले दे रखी है उसकी फाइनल वैल्यू ही इनिशियल बन जाएगी, तो चेंज अपॉन इनिशियल करके 1 सेकंड में आंसर। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो मैंने बोला था आपसे सीपीआर। अब इस टॉपिक को देख लो जल्दी फास्ट, फिर देखेंगे आगे क्वेश्चंस फिर इस टॉपिक के। बोलो ये टॉपिक क्लियर हो गया बेटा सभी को? अब देखते हैं सीपीआर की बात, अब सीपीआर को देख लेते हैं बेटा, अब इस टॉपिक को समझेंगे अच्छे से, ठीक है भाई साहब? देखो सीपीआर को समझते हैं अच्छे से बेटा। अब कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, तो अब एक बात बताइए आप, एक एक बात को समझना, थोड़े टाइम मेरे को देना ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊं और उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चंस। बोलो क्लियर है? तो बात की जा रही है प्रोडक्ट की, बात किसकी की जा रही है बेटा, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट माने गुणा की, किसकी बात की जा रही है, गुणा की। यानी कि पहले आप एक काम करिए, दो संख्याएं ले लीजिए ए और बी, और इन दोनों संख्याओं को करिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माने गुणा। अरे क्लियर है? अब इस प्रोडक्ट को क्या करना है बेटा आपको, कॉन्स्टेंट। तो अब मैंने कहा कि भाई ये प्रोडक्ट कुछ ना कुछ एक वैल्यू देगा सी, तो आप बताइए जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है बेटा, आप बताइए सी के, तो सी जो है बेटा वही तो कहलाएगा दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, मतलब जो गुणा है वो किसके बराबर है बेटा, सी के। तो आपको कांस्टेंट, अगर गुणा को कांस्टेंट करना है तो इसका मतलब किसको कांस्टेंट करना है, सी को, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर सी जो है बेटा वो उसे क्या करना है हमें, कांस्टेंट करना है, कांस्टेंट मतलब सेम रखना है, क्या रखना है बेटा सेम। अब मुझे एक बात बता दो, मोटी मोटी बात समझाऊंगा,
कहने का मतलब अब मैं टॉपिक में बात क्या करने वाला हूं, अभी तक क्या हो रहा था, एक एक बात को समझते रहना। अब तक क्या हो रहा था कि आपको वृद्धि देके कमी पूछी जा रही थी, कमी देके वृद्धि पूछी जा रही थी, लेकिन अब वही चीज है, ये है वही चीज, लेकिन इसको घुमा के बोला गया है CPR, दो संख्याओं का प्रोडक्ट। दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या करना है बेटा आपको, स्थिर। क्या करना है, स्थिर। तो दो संख्याओं के प्रोडक्ट को स्थिर करने का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो गौर से सुनना, क्वेश्चन में क्या कहेगा, क्वेश्चन आपसे ये कहेगा, बायकादा गौर से सुनना, क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि एक संख्या को मैंने बढ़ाया, मान लीजिए ए को मैंने बढ़ाया, तो अगर ए में मैंने वृद्धि की तो बताइए बी को मुझे क्या करना चाहिए ताकि जो गुणा आए वो हमेशा सेम बना रहे। तो आप खुद बताइए, अगर आपने बी को बढ़ा दिया, अगर आपने बी को बढ़ा दिया तो ये तो बढ़ जाएगा, तो आप बताइए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये बताइए। तो बी को घटाना पड़ेगा, तभी तो ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट होगा वो क्या रहे, कॉन्स्टेंट। और अगर ए घटेगा तो बी को बढ़ना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है कि वो आपस में क्या रहे बेटा, बराबर। गौर से देखो, ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, अगर इन दोनों को बराबर करना है तो जो कम वाली है उसको बढ़ा दो और जो ज्यादा वाली है उसको घटा दो, तो ये संख्या आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब दो संख्याओं का प्रोडक्ट तभी कॉन्स्टेंट रह सकता है जब कम वाली एक संख्या अगर बढ़े तो दूसरी घटे, तभी वो कॉन्स्टेंट में आ सकता है। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो हम ये कहते हैं कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट तब रहेगा जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं, गौर से समझना। मैंने कहा कि मान लीजिए कि ए का मान शुरुआत में तीन था और तीन में गुणा हो रहा था बी की इनिशियल वैल्यू चार थी, तो आप बताइए तीन गुणा चार क्या बनेगा बेटा, तो आप बोलेंगे बारह बनेगा। सही बात है या नहीं है? तो प्रोडक्ट का मान किसके बराबर आ रहा है बेटा, बताइए बारह। अरे आ रहा है नहीं आ रहा? अब मैंने ये कहा कि मान लीजिए मैंने इस तीन को बढ़ा दिया, तीन को बढ़ा के कर दिया चार, क्या कर दिया चार, तो मैंने एक बढ़ा दिया एक तरह से। अरे बोलो यार कितना बढ़ा दिया बेटा मैंने, एक। अब आप बताइए इस चार में मैं गुणा किससे करूं ताकि ये बारह ही रहे, तो आप कहेंगे यार तीन से गुणा कर दूं, तो तीन चौक बारह, आज भी ये कॉन्स्टेंट ही आएगा बारह। तो आप बताइए ये जो बारह है बेटा ये सेम रहा या नहीं रहा, और ये कौन सी वैल्यू है बेटा गुणा की, ये कौन सी वैल्यू है बेटा गुणा की, तो गुणा की वैल्यू सेम कब रही, जब ए जो है ये ए है और ये बी है, जब ए बढ़ा कितने से एक से, तो बी घटा कितने से एक से। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब यही तो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझी थी, अगर मैं एक संख्या को बढ़ाता था एक तो दूसरी को घटाना भी कितने से पड़ता था एक। इसका मतलब दो संख्याओं के गुणा के लिए भी आपको, दो संख्याओं के गुणा के लिए भी आपको, अब आपको दो ही कॉन्सेप्ट याद अगेन रखने हैं। क्या रखने हैं बेटा? दो ही कॉन्सेप्ट दोबारा याद रखने हैं। कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं वो गौर से सुन लो। अब दोबारा दो संख्याओं के गुणा को कॉन्स्टेंट रखने के लिए आपको दोबारा से दो ही कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। अब कौन कौन से रखने, पहले मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं, तो आप खुद बताइए दोनों के चेंज की वैल्यू क्या रही है बेटा, सेम, लेकिन एक बढ़ रहा है उतने से तो दूसरा उतने से घट रहा है, तो वैल्यू दोनों क्या है चेंज की, सेम। लेकिन आप बताइए ये एक बढ़ कितने पे रहा है बेटा, बताओ तीन पर, इनिशियल वैल्यू तो तीन है, और ये घट कितने पे रहा है बेटा चार पर, सही बात है या नहीं है? तो एक बात बताओ भैया मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मान लीजिए मैंने भी आपको ये सिखाया कि एक संख्या सी है और जो दो संख्याओं के गुणा के बराबर है, दो संख्याओं के गुणा के बराबर है, तो मैंने ये कहा कि भैया अगर एक संख्या ए में एक की वृद्धि हुई, कितने पर हुई बेटा तीन पर, तो ए में वृद्धि का रेशियो आ गया प्लस एक बटे तीन। अरे आया नहीं आया? जबकि बी के अंदर आप बताइए, बी के अंदर कितनी कमी हुई एक की, कितने पर हुई चार पर, तो बी को कम करना पड़ेगा तभी तो एक कॉन्स्टेंट रहेगा भाई, आप बताओ। तो बी के कमी का रेशियो क्या रहा है, एक की कमी कितने पर चार पर। एक बात बताओ, अभी जो मैंने आपको तरीका सिखाया था वही चीज तो यहां लग रही है? अरे बोलो, इसका मतलब दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट कब रहेगा, जब एक बढ़े तो दूसरा घटे। अरे क्लियर है? और जब एक की वृद्धि दूसरे की कमी बनानी हो, एक की कमी दूसरे की वृद्धि बनानी हो, तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना। देखो वृद्धि और कमी की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, सेम, ये प्लस वन है तो ये माइनस वन। और आप बताओ तीन पर एक बढ़कर फाइनल वैल्यू क्या बनती, चार, देखो वही इनिशियल वैल्यू बन रही है। आप बताओ चार में एक घटे क्या बनता, तीन, देखो वही इनिशियल वैल्यू बन रही है।
तो यानी कि जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको वृद्धि से कमी और कमी से वृद्धि में बताए थे, आई थिंक वही कहां पर लगते हैं बेटा, सीधे सीधे CPR में। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब मैं इसी बात को एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ, बेहतरीन तरीके से। अभी तक तो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया, अब मैं इसी बात को दूसरे तरीके से समझाता हूँ, गौर से समझना। दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या रखना है बेटा आप बताइए, सेम। दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या रखना है बेटा आप बताइए, सेम। तो एक बात बताइए बस मुझे, इस प्रोडक्ट को रखना है सेम, क्या रखना है बेटा, सेम। तो एक बात बताना कॉन्सेप्ट, छोटी सी बात बताना सभी के सभी, छोटी सी बात बताना सभी के सभी, कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट तब रहेगा जब एक बढ़े तो दूसरा घटे। यानी कि ये भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, लेकिन ये तो चेंज नहीं हो रहा ना सी। और आप बताइए अगर कोई संख्या चेंज नहीं हो रही, चार की चार है, तो बताओ चेंज ना होने का मतलब रेशियो कितना आएगा बेटा, एक बटे एक एक आएगा। अरे बोलो यार, एक बात आओ, अगर ये कॉन्स्टेंट है, अगर ये कॉन्स्टेंट है सेम है, तो इसका रेशियो तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वन बनना चाहिए। चेंज का रेशियो इसका कितना रहना चाहिए, वन। अब मैंने कहा कि मान लो ए तो चेंज हो रहा है, ए का रेशियो चेंज का मैंने बोल दिया 3/4 थोड़ी देर के लिए, तो बताओ 3/4 में किससे गुणा कर दूं, ताकि 3/4 में किससे गुणा कर दूं ताकि ये वैल्यू 1 बन जाए। तो आप कहेंगे यार उल्टा गुणा कर दो, तो जैसे ही आप उल्टा गुणा करेंगे 4/3, तो मेरे लाल आप खुद देख लो कि जब आपने उल्टा किया तो जो इसकी फाइनल है वो क्या बन गई बेटा, इनिशियल। अरे सही बात है, और अगर इसे उल्टा करते तो जो इसकी फाइनल है वो क्या बन गई, इसकी इनिशियल। इसका मतलब CPR के अंदर जब दो नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे तो वो कांस्टेंट तभी रहेगा जब एक बढ़े तो दूसरा घटे, एक घटे तो दूसरा बढ़े। और अगर वो कांस्टेंट है इसका मतलब उसका रेशियो कितना है, 1। और अगर एक वेरिएबल का कोई भी रेशियो है और उसको अगर 1 बनाना है मल्टीप्लाई करके, तो उल्टे को उल्टे को गुणा करना पड़ेगा, और आपने अगर उल्टा कर दिया तो फाइनल को इनिशियल बना दिया और इनिशियल को फाइनल बना दिया। और एक आताओ रेशियो को आप कितना भी उल्टा कर लो, रेशियो को आप कितना भी उल्टा कर लो, मैं कह रहा हूं आप बताइए अगर यहां से यहां 4/3 होकर 1 की वृद्धि आ रही थी, तो जब इसे उल्टा करोगे तो वही 1 की वृद्धि कमी तो बन जाएगी भाई। अगर मैं कह रहा हूं कि 4/3 होकर 4/3 होकर 4/3 होकर 1 की कमी आ रही थी, तो जब आपने उल्टा लिख दिया तो 3/4 होकर 1 की वृद्धि होने लगी। तो आप बताइए जितने की कमी है उतने की तो वृद्धि होगी अकॉर्डिंग टू रेशियो, और जो फाइनल वैल्यू है वही क्या बन जाएगी, इनिशियल। इसका मतलब जो अभी मैं आपको सिखा रहा था वृद्धि को कमी और कमी को वृद्धि बनाना, वो यही ये वाला सेम कॉन्सेप्ट कहां लगता है बेटा आपका, दैट इज CPR। दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट करना हो, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट करना हो, तो एक को जिस रेशियो में वृद्धि करनी पड़ेगी दूसरे को उतने ही रेशियो में कमी करनी पड़ेगी, सेम रेशियो में बोल रहा हूं मैं। अरे समझ गए आप? तो अब आप बता दो एक सेकंड में अगर मेरी इतनी बात समझ गए, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिस 3 क्वेश्चन करा चुका हूं, कॉन्सेप्ट पहले समझा चुका था, वही कॉन्सेप्ट अगर ये है तो अब एक सेकंड में मुझे प्रैक्टिस करके बताओ। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, जल्दी बोले अब आप। मैंने कहा सी इज इक्वल टू ए इंटू बी है, सी इक्वल टू क्या है, ए इंटू बी। मुझे सी को रखना है कॉन्स्टेंट, ये सेम रखना है। तो भैया एक बात बताओ जल्दी फास्ट, अगर मैं कहता कि ए में वृद्धि हुई +1/5 की, तो आप बताइए बी में कमी होनी चाहिए या वृद्धि होनी चाहिए? तो आप बोलेंगे कमी होनी चाहिए। और कमी कितने रेशियो में होनी चाहिए? तो अगर ये एक बढ़ाए तो ये एक घटाना पड़ेगा, और ये एक घटाना किस में करेगा, फाइनल वैल्यू। तो 5 में एक बढ़ के क्या बन जाएगी, 6। तो अगर एक वेरिएबल 1/5 में बढ़ेगा तो दूसरे वेरिएबल को 1/6 में घटना पड़ेगा, तभी ये कॉन्स्टेंट रह सकता है। बोलो क्लियर हुआ? नाउ दूसरा एग्जाम्पल बताओ, दूसरा केस ले रहा हूं। अगर ए वेरिएबल को मैंने 1/3 घटाया, कितना घटाया, 1/3, तो इनकी दोनों के प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए इसको बढ़ना पड़ेगा घटना पड़ेगा? तो आप कहेंगे अगर ये कम हुआ है तो इसे बढ़ना पड़ेगा, कितने रेशियो में बढ़ना पड़ेगा, तो एक कम हुआ तो एक बढ़ाएंगे, कितने पर बढ़ाएंगे, फाइनल वैल्यू। तो 3 में घट के कितना आ गया, 2। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम वृद्धि को कमी और कमी को वृद्धि बनाना सीख गए, इसका मतलब हम वास्तव में CPR को सॉल्व करना सीख गए। किसको सॉल्व करना सीख गए, CPR को। क्योंकि एक वेरिएबल जितने रेशियो से बढ़ेगा दूसरा उतने ही रेशियो में घटेगा। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? लेकिन अब सुन लो, अब इसे एग्जामिनर कभी आपको ये कभी नहीं देगा, एग्जामिनर कभी नहीं देगा आपको कि सी बराबर ए इंटू बी है, ये तो इस ए और बी को भाषा में बोलेगा। तो मैं आपको एक बेहतरीन फॉर्मूला बता देता हूं, जो जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज के अंदर, वो मल्टीप्लाई वाला केस कौन सा है। तो आप बताइए, एक बात बताइए, अगर एक पेन 5 रुपए का आता है, एक पेन 5 रुपए का आता है, तो 10 पेन कितने के आएंगे,
तो आप कहेंगे गुणा कर दो 50, दो गुणा कर रहे हो ना आप, तो एक पेन 5 रुपए का, तो ये क्या हो गया मूल्य, और 10 पेनों की बात की जा रही है तो 10 पेन क्या हो गई मात्रा, मात्रा को बोलते हैं खपत। इसका मतलब मूल्य को खपत से गुणा कर दिया जाए तो जो 50 आया है निकल के वो टोटल खर्चा आ गया जो मुझे करना पड़ेगा उनको खरीदने के लिए। अरे बोलो यार, इसका मतलब किसी भी वस्तु पर किए जाने वाला खर्च, किसी वस्तु पर किए जाने वाला खर्च हमेशा किसके बराबर होता है, उस वस्तु का मूल्य इनटू उसकी खपत। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या। तो आप बताइए अगर कभी कोई क्वेश्चन मूल्य खर्च और खपत, मूल्य खर्च और खपत पर आए तो आपको रिलेशन समझ आ गया क्या, रिलेशन हमेशा क्या लगेगा खर्च बराबर मूल्य इनटू खपत। लेकिन अगर खर्च मूल्य और खपत में सीपीआर लगाना हो, क्या लगाना हो सीपीआर, तो बताइए कांस्टेंट किसे करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट करना पड़ेगा खर्च को, किसे करना पड़ेगा खर्च को। और खर्च कांस्टेंट कब होगा, जब मूल्य बढ़ेगा तो खपत घटेगी, और मूल्य घटेगा तो खपत बढ़ेगी, और मूल्य बढ़ेगा तो खपत घटेगी, और दोनों का रेशियो आपको समझ में आ गया होगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन एक सेकंड में समझ आ जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं है, अरे बात समझ में आई या नहीं आई, समझ गए आप, इसका मतलब जो अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया था डिक्टो वही टॉपिक है, ये कुछ अलग नहीं है, लेकिन बात तो भाषा की है ना, खेल तो सिर्फ भाषा का है ना, जो लोग इन बातों को नहीं समझ पाते वो इसे टाइप 2 नाम दे देंगे, अरे क्लियर है, और उसे टाइप 1 नाम दे देंगे, जबकि मेरे अकॉर्डिंग ये टाइप 1 और टाइप 2 एक ही है। अरे समझ गए नहीं समझे, ये मेन डिफरेंस है बस, इतनी डेप्थ में पढ़ लो चीजें आसान हो जाती हैं। अब देखो एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे आ जाओ सारी बातें, अब ऐसे देखो एक और बात सुनो, एक जगह और आता है, आने को तो मल्टीप्लाई बहुत जगह बनता है, एक बात बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, जल्दी बोलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी, तो आप खुद बताइए यहां पर भी तो आपका सीपीआर लग सकता है, तो आप बताइए सीपीआर लगाने के लिए किसे कांस्टेंट होना पड़ेगा एरिया को, और एरिया कांस्टेंट कब होगा जब लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई घटेगी, और लंबाई घटेगी तो चौड़ाई बढ़ेगी, समझ गए क्या। आप बताइए क्या इसी बात को टाइम डिस्टेंस स्पीड में लगा सकते हैं क्या, दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय, इसका मतलब जो सीपीआर हम यहां पढ़ रहे हैं उसे हम टाइम डिस्टेंस स्पीड में भी लगा सकते हैं, लेकिन बशर्ते हमें कांस्टेंट किसे करना पड़ेगा दूरी को, इसका मतलब दूरी समान कर दो तो सीधा सीधा सीपीआर लगा पड़ा है, कैसे लगा पड़ा है, अगर दूरी फिक्स हो जाए दूरी समान रहे तो स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम घट जाएगा, और टाइम स्पीड घटाओगे तो टाइम बढ़ जाएगा, किसके लिए सेम दूरी के लिए, तो इसलिए यहां पर भी सीपीआर लग जाएगा। अरे नहीं आई बात समझ, कहने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो क्वेश्चन तो एक चुटकी के है ना, अरे बोलो यार। तो अब आप बताइए एक सेकंड में, मैं पहले प्रैक्टिस करा लेता हूं, आओ आप बताइए, पहला एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताइए खर्च किसके बराबर होगा, पहले आप खुद बताइए खर्च किसके बराबर होगा मूल्य इंटू खपत, अरे होगा या नहीं होगा, अब मुझे एक सेकंड में आंसर बताओगे, एक सेकंड में मैं क्वेश्चन बना रहा हूं तुम्हारे सामने ही क्वेश्चन बना रहा हूं, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर करना उसके बाद मैं कहूंगा कि अब आप क्वेश्चन करिए। देखो अगर मैं क्वेश्चन कहता कि यदि चीनी के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है, कितने परसेंट की वृद्धि होती है 12.5%, तो बताइए खपत में कितने परसेंट की कमी होगी, तो ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है ताकि खर्चा स्थिर रहे, ताकि खर्चा क्या रहे स्थिर, तो बताइए ये दो नंबर के मल्टीप्लाई को कांस्टेंट कर रहा है, दो नंबर का मल्टीप्लाई कांस्टेंट कब रहेगा जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और जब और रेशियो में आती है वृद्धि को कमी बनाना, तो डायरेक्ट बताओ आंसर क्या होगा 12.5% बढ़ने का मतलब +1/8, अरे +1/8, तो अगर मूल्य +1/8 में बढ़ रहा है तो खपत कितने रेशियो में घटनी चाहिए, तो एक बढ़ा तो एक कम, और एक कम किस पे फाइनल वैल्यू 9, और 1/9 की परसेंटेज होती है 11 सही 1/9%, क्वेश्चन इज ओवर। सर समझ में आई बात, अरे क्लियर हुआ ही बात, समझ गए आप। चलिए भैया अब क्वेश्चन करते हैं जल्दी फास्ट फास्ट, अब देखो भैया हेलो आ जाओ, देखो देखो ये क्वेश्चन मैंने बिना पैसे सॉल्व कर दिया था, पहले मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन मैं बाद में समझाऊंगा लैंग्वेज, अब देखो मैंने वो क्वेश्चन बिना किसी उसके उड़ा दिया था, यानी कि जो सीपीआर वाले क्वेश्चन होते हैं वो वृद्धि से कमी और कमी से वृद्धि में उड़ जाते हैं, अरे क्लियर है या नहीं है। लेकिन अब मैं आपको लैंग्वेज समझा देता हूं इस क्वेश्चन की थोड़ा, क्योंकि वो जरूरी भी है लैंग्वेज समझना। देखो यहां पर अब क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूं एक बार को समझाने के लिए बेटा, प्लीज यहां पे देखना, क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल की कीमत, कीमत माने मूल्य में 15% की वृद्धि हुई, तो बताइए मालिक को पेट्रोल की खपत, देखो एक वर्ड आ गया खपत, कीमत मतलब मूल्य यहां आ गया, खपत यहां आ गया,
खपत में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय का मतलब खर्च में वृद्धि ना हो। ढंग से पढ़ो, ना होने का मतलब कांस्टेंट कर रहा है, किसे कांस्टेंट कर रहा है, व्यय को, मतलब खर्च को। तो आप सभी के सभी जानते हो या नहीं जानते हो, एक बात क्या जानते हो, खर्च बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो। तो खर्च बराबर होता है मूल्य इंटू खपत। अरे होता है या नहीं होता बताओ। अब आप बताइए मूल्य में कितने परसेंट बढ़ा रहा है बेटा, 15%। और बात कमी किसकी पूछ रहा है, खपत की, तभी तो खर्चा कांस्टेंट रहेगा। तो आप बताइए 15% का रेशियो क्या होता है, 3/20। तो 3/20 यानी 20 पे 3 बढ़ रहा है और खपत करनी है कम, तो इस वृद्धि के रेशियो को, कमी का रेशियो बनाना है, तो 3 बढ़ाने का मतलब घटाना भी कितना पड़ेगा, 3, कितने पर, फाइनल वैल्यू 23 पर, और गुणा 100 कर देंगे, तो यहां से आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ये वाला आंसर नंबर सी। बोलो क्लियर है या नहीं है, बोलो समझ आ गया CPR। चलिए भैया अगर आपको समझ आ गई हो तो चीजें अब आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी फास्ट। चलिए भाई इस वाले क्वेश्चन को बताइए जल्दी फास्ट, मैं सभी से आंसर चाहूंगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर जल्दी फास्ट, ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी फास्ट। आप टाइम वेस्ट ना करें, आंसर बता दें, मैंने कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस कर दिए, प्लीज सबके सब लोग मेरे को आंसर बताएं। देखो तीन वर्ड तो मोटे मोटे दिख जाने चाहिए, इतनी तो आंख चोड़ जानी चाहिए। कीमत की बात हो रही है, खपत की बात ये रही 2 किलो, अधिक की बात हो रही है, और मूल्य ये है ही 360 रुपये। अरे क्लियर है, तो आइए भाई करें स्टार्ट क्वेश्चन। तो देखना भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक देखो कीमत खपत और मूल्य तीन चीज दे रखी है, तो सीधा सीधा पहले रिलेशन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर रिलेशन लगेगा खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत। अरे क्लियर है या नहीं है, मूल्य इंटू खपत यही होगा रिलेशन। अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन, ये कह रहा है वस्तु की कीमत में 20% की हुई कमी, मूल्य 20% घट गया, चलो भाई घट गया चलो, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपये में, तो 360 रुपये का मतलब तो भाई खर्चा हो गया, तो उसके बाद खर्चा करने के लिए 360 रुपये हैं, मूल्य घट गया 20% और 20% घटने के बाद 360 रुपये में 2 किलो अधिक वस्तु खरीद पा रहा है, कितना अधिक खरीद पा रहा है 2 किलो अधिक, तो बेटा खपत बढ़ रही है। तो आप बताइए मूल्य घट रहा है खपत बढ़ रही है, तो आप बताइए क्या मैं मान सकता हूँ कि खर्चा कॉन्स्टेंट रहेगा, अरे बोलिए यार। और आप ये बताओ अगर मूल्य घट रहा है बेटा 20% से, तो खपत का इस 20% का रेशियो क्या होगा, -1/5, तो मूल्य के घटने का रेशियो -1/5। और अगर खर्चा कांस्टेंट करना है तो बढ़िया आप बता दो मूल्य के कमी का रेशियो अगर -1/5 है, तो खपत का जो बढ़ने का रेशियो होगा बेटा वो कितना होगा, तो अगर ये 1 कम हुआ तो ये 1 बढ़ेगा, कितने पर बढ़ेगा, फाइनल वैल्यू 4। अरे क्लियर है, तो खपत की जो वृद्धि का रेशियो है वो है 1/4। इसका मतलब इस रेशियो को कैसे पढ़ेंगे, हमारे अकॉर्डिंग पहले वो कितना खरीद रहा था, इनिशियल वैल्यू तो नीचे ही होती है, पहले कितना खरीद रहा था 4 और बढ़ा कितना उस पर 1। आप बताओ 1 ज्यादा खरीद रहा है या 2 किलो ज्यादा खरीद रहा है, 2, तो गुणा कितना होता है बेटा 2 पर, हमारे अकॉर्डिंग तो 1 अधिक खरीद रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना अधिक खरीद रहा है 2 किलो, तो 1 को अगर 2 किलो बनाना है तो 2 गुना करना पड़ेगा, तो पहले हमारे अकॉर्डिंग जितना खरीद रहा था उसका 2 गुना कर दें तो हमें ये पता लग जाएगा पहले कितना खरीद रहा था, तो पहले हमारे अकॉर्डिंग कितना खरीद रहा था 4 × 8, तो पहले की खपत जो है बेटा वो कितनी आ गई 8 किलो। और आप बताइए क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो बताओ पहले वो खरीद कितना रहा है बेटा 8 किलो, कितने रुपए में खरीद रहा है 360 में, तो 1 किलो कितने का खरीद रहा होगा प्रारंभ में, तो 1 किलो का मूल्य बनेगा 360/8। बोलो क्लियर हुआ, तो 8 × 4=32 और 8 × 5=40, यानी प्रारंभ में जो मूल्य होगा वो 45 रुपए प्रति किलो होगा। क्वेश्चन इज ओवर, समझ गए या नहीं समझे, तो फिर दोबारा सुन लो, अगर मूल्य घटा 20% तो 20% का मतलब -1/5, अगर मूल्य के कमी का रेशियो -1/5 तो खपत के वृद्धि का रेशियो बनेगा +1/4, इसका मतलब 4 पर 1 बढ़ रही खपत,
पर खपत एक बढ़ रही है, दो बढ़ रही है, दो, तो एक की वैल्यू दो बनानी है, दो गुना करना है, तो कहीं प्रारंभ में जो खपत चार है उसको दो गुना करके कितनी खपत आई, आठ। इसका मतलब यह है कि वो प्रारंभ में 8 किलो 320 रुपये 360 रुपये में खरीद रहा है। कितने रुपये में खरीद रहा है बेटा, 360। अगर वो प्रारंभ में 8 किलो प्रारंभ में इनिशियल 8 किलो अगर वो 360 रुपये का खरीद रहा है, तो बस आप बताइए आपको मूल्य निकालना है प्रारंभ में, तो डायरेक्ट दोनों तरफ 8 से काट दीजिए, तो प्रारंभ में 1 किलो वो कितने खरीद रहा है बेटा, 45 रुपये, और 1 किलो का जो भाव होता है वही भाव होता है वास्तव में, बात खत्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 45 रुपये, क्योंकि प्रारंभिक निकालना था। अरे क्लियर हुआ, समझ गए या नहीं समझे, उतारिए जल्दी फास्ट। अरे बोलो, नया मूल्य, हेलो बेटा, हेलो, नया मूल्य। मान लो इस क्वेश्चन में आपको ये निकालना होता कि नया मूल्य क्या होगा। हेलो, ये तो इनिशियल आ गया बेटा, ये इनिशियल आ गया, तो भैया नए के लिए क्या होगा, फाइनल के लिए क्या हो जाएगा, कोई वाली बात नहीं है। आप बताओ इनिशियल में कितना किलो खरीद रहा है, 8, और कितना किलो फाइनली ज्यादा खरीद रहा है, 2, तो इसका मतलब फाइनली वो खरीद कितना आ रहा है बेटा, 10 किलो, और 10 किलो कितने का खरीद रहा है, खर्चा तो कॉन्स्टेंट है 360, अगर 10 किलो 360 का, तो 1 किलो कितने का आ रहा है, 36 का, तो जो फाइनल मूल्य बनेगा वो बनेगा 36 रुपये प्रति किलो। अगर फाइनल पूछता तो आंसर होता 36। अरे बात समझ में आ रही है, वो भी दे रखा है देखो क्वेश्चन में 36। अब अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी फास्ट, पर फाइनल मूल्य निकालने की एक नया तरीका और बताऊंगा बेहतरीन वाला, पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी फास्ट। दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा शायद बेटा, दिख नहीं रहा ये, चलो भाई अभी 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 करवा रहा हूँ बेटा, अभी करवा रहा हूँ, लो करो भाई, बेटा लो करो, अब तो दिख रहा होगा शायद, नो सिग्नल, कैसे अब मैं क्या करूँ इसमें यार, आ गया होगा, देखो बेटा आ गया होगा, आ गया होगा, आप सबको दिख रहा होगा, अब तो प्रॉपर दिख रहा होगा। चलिए भाई, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया क्या, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी फास्ट, आंसर बताओ। आंसर, फिर सिग्नल चला गया, देखो सिग्नल चला गया क्या फिर दोबारा, चलिए भाई आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो तो बेटा मैं आगे बढ़ रहा हूं, गौर से सुनना। हेलो, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, प्लीज सुनिए, अब एक नया तरीका बता रहा हूं बेहतरीन वाला, हेलो, अब बेहतरीन वाला एक नया तरीका बता रहा हूं, गौर से सुनना बेटा, आपको क्वेश्चन में कह रहा है, हेलो, आप सभी जानते हो खर्च बराबर क्या होता है बेटा, ये बात समझिए, खर्च बराबर होता है मूल्य इनटू खपत। बेटा सबके सब यहां देख लो, यहां देख लो, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमें फाइनल मूल्य पूछा गया है कि घटी हुई कीमत बताइए। फाइनल मूल्य बता निकालने का बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, बेहतरीन से बेहतरीन और कॉन्सेप्चुअल तरीका बता रहा हूं, गौर से सुनना। फाइनल मूल्य निकालना हो तो आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है खर्च बराबर मूल्य इनटू खपत। सबके सब कॉपी छोड़ दो, सारी चीज छोड़ के यहां देख लो, मैं बेहतरीन तरीका बताऊंगा। सिग्नल नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है, अब
अब ब्लैंक आ रहा है तो मैं क्या करूं भाई इस चीज में। ये तो यहां तक आ रहा है बेटा। चलो भाई बेटा एक काम करते हैं या फिर मैं कल ही बताता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है बिल्कुल, यहाँ पे गोविंद सर है नहीं, कोई है नहीं, ठीक है, टेक्निकल टीम का बंदा। चलो ठीक है बेटा, आज की क्लास के यहीं पे एंड करते हैं, कल मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? ठीक है बेटा, ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कल करते हैं बेटा, है ना? चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू लेटर, ठीक है? बेटा कोई बात नहीं, अगर हम अब हम एक्चुअली में कल करेंगे, ठीक है, यहाँ से आगे कंटिन्यू कल करते हैं, कल ही बताऊंगा आपको बेहतरीन वाला तरीका, ठीक है? वैसे बताने को मैं अभी अभी सही आ रहा है, वहाँ पे कुछ बच्चे चले गए होंगे शायद, अभी नहीं गए, चलो तो ठीक है बता देता हूँ। चलो चलिए, कोई ना बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। देखो भाई, फिर ब्लैंक हो गया, हाँ तो वो ठीक है, समझ गया मैं, वो ये काम हो नहीं है।